एक कफन चोर का वाकया, जो हर नए दफनाए गए मुर्दे का कफन चुरा लिया करता था। एक रात उसके साथ कब्रिस्तान में क्या मामला पेश आया, आइए जानते हैं। एक बुजुर्ग जिनका नाम हजरत सैयदना अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह है, आप फरमाते हैं कि एक शख्स हमारी महफिल में आया करता था, मगर उसका आधा चेहरा हमेशा छुपा रहता था। एक मरतबा मैंने उससे पूछा कि तुम अपना आधा चेहरा छुपाए रखते हो, इसकी क्या वजह है, मुझे इस राज से आगाह करो। उसने कहा कि अगर आप अमान अता फरमाएं तो मैं अपना मामला बताता हूं। मैंने कहा कि बताओ असल मामला क्या है। इजाजत मिलने पर उसने अपनी दास्तान इबरत कुछ इस तरह सुनाई। उसने कहा कि मैं कफन चोर था, मैंने कई कब्रों से कफन चुराए। जब भी किसी नई कब्र के मुतालिक मालूम होता तो फौरन वहां पहुंचकर कफन चुरा लाता। एक मर्तबा एक औरत का इंतकाल हुआ, जब उसे दफना दिया गया तो मैं रात को कब्रिस्तान पहुंचा और कब्र खोदना शुरू कर दी। जब ईंटें हटाकर कफन की एक चादर निकाली और दूसरी चादर खींचने लगा तो अचानक उस औरत के बेजान जिस्म ने हरकत की और चादर को थाम लिया। मैंने कहा तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम मुझ पर गालिब आ जाओगी, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। यह कहकर मैं घुटनों के बल बैठ गया और पूरी कुव्वत से कफन खींचने लगा। यह कायक उस औरत ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा, दर्द की शिद्दत से मैं बेकरार हो गया और मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा जलन होने लगी। यह कहकर उस कफन चोर ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसके गाल पर उंगलियों के निशान बिल्कुल वाज़ेह थे। मैंने कहा कि अच्छा फिर क्या हुआ। उसने कहा फिर मैंने चादर वापस उस औरत पर डाल दी और जल्दी जल्दी कब्र पर मिट्टी डालकर बराबर कर दिया और पुख्ता इरादा कर लिया कि जब तक जिंदा रहूंगा कभी भी कफन नहीं चुराऊंगा। अल्लाह मेरे सबका गुनाहों को माफ फरमाए और मुझे तौबा पर इस्तकामत अता फरमाए। हजरत सैयदना अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उस कफन चोर का सारा वाकया लिखकर मैंने हजरत सैयदना अबू उजारे रहमतुल्लाह अलैह की तरफ रवाना किया। उन्होंने ये जवाब लिखकर भेजा कि तेरा भला हो, उससे पूछ कि जो मुसलमान किबला रू दफनाए गए थे क्या सबके चेहरे किबला की तरफ थे या किबला से फिर चुके थे। मैंने कफन चोर से पूछा तो इसने कहा कि मैंने जिन लोगों के कफन चुराए उनमें से अक्सर के चेहरे किबला से फिर चुके थे। हजरत सैयदना अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने यह बात लिखकर हजरत अबू उजैर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भेजी तो उन्होंने जवाब में ये तहरीर भिजवाई कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इसहाक रहमतुल्लाह अलैह जिन लोगों के चेहरे किबला से फिर चुके थे उनका खात्मा सुन्नत पर नहीं हुआ। प्यारे दोस्तों, अल्लाह हमें अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और हमारा खात्मा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर फरमाए। इस दास्तान इबरत में हमारे लिए इबरत के बेशुमार मदनी फूल मौजूद हैं। कितना तश्वीशनाक मामला है कि जो लोग सुन्नतों से मुंह मोड़ लेते हैं, ये काम शरीयत पर अमल पैरा नहीं होते और दुनिया को दीन पर तरजीह देते हैं, उनके साथ कब्र में इंतहाई वेशनाक मामला होता है। प्यारे दोस्तों, कब्र और आखिरत में लम्हा भर का अजाब भी बर्दाश्त से बाहर है। हमारे नाजुक जिस्म जन्म की भड़कती हुई आग जो दिलों तक पहुंचने वाली है उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर इसी तरह गफलत भरी जिंदगी गुजारते रहे और इसी हालत में मौत आ गई तो बहुत जिल्लत और रसवाई और दर्दनाक अजाब का सामना करना पड़ेगा। मेरे मोहतरम अजीजों, झटपट अपने गुनाहों से तौबा कर लीजिए और रो रो कर अल्लाह ताला से माफी मांग लीजिए। मोमिनों पर रहम करम फरमाने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपने दामन से वाबस्ता कर लीजिए। दुरूद सलाम।